नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट सिक्स मंथ, आने वाले छः माह कैसे रहेंगे तुला राशि, तुला लग्न के जातकों के लिए। 2024 का पूर्वार्ध जैसे जाना था जैसे गया, लेकिन उत्तरार्ध कैसा रहेगा, उत्तरार्ध में क्या आप बेहतर कर रहे हैं, कहाँ से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उत्तरार्ध मित्र आपके लिए बेहतर ही जाएगा। बेहतर जाने के पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं। क्या हैं कुछ प्रमुख कारण हैं? उन कारणों में पहला कारण यह है कि गुरु महाराज आपके सप्तम भाव से चले गए हैं अष्टम भाव में। अष्टमस्त जो गुरु हैं वो आपके कुंडली में विपरीत राजयोग कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि आप जब काम कर रहे हैं तो 10 रुपया मिलता है, लेकिन विपरीत राजयोग में आपको 30 रुपया मिलेगा, 3 गुना। 1 लाख कमा रहे तो 3 लाख, 1,000 तो 3,000, या विपरीत। लेकिन आपकी कुंडली में उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो पहले चेक करिए कि एक्टिवेट है क्या भाई। प्लान आते रहते हैं ना, इस प्लान को एक्टिवेट करिए। इतना आप GB यूज़ करिए, 5G ले लीजिए, फुल चार्ज इतना GB यूज़ करिए। तो प्लान के अनुसार आप अपने लाइफ को या लाइफ में जो चीज़ें हैं उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। क्योंकि आप हेल्दी हैं तो नमक रोटी भी मज़ा है दोस्त, हेल्दी नहीं है तो फिर चाहे कुछ भी बना लीजिए। भोग तरह तरह के सामने रहेंगे, भोगने का दिल नहीं करेगा, भोग ही नहीं पाएंगे। तो 7 जुलाई से आपके जो शुक्रदेव हैं वो आपके कर्क राशि में आ रहे हैं, डेफिनेटली आपको बेहतर फल देंगे, हर तरह से आपके लिए लाभकारी हैं। कर्म भाव में जाएंगे तो कर्म पथ का विस्तार होगा। क्या होगा? कर्म पथ का विस्तार। आप जहाँ पे वर्क कर रहे हैं वहाँ से चीज़ें आपके लिए बेहतर आना शुरू हो जाएंगी। नौकरी पेशे इत्यादि में आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा, तकलीफें खत्म हो जाएंगी। बड़े लोग आपसे प्यार से बात करेंगे, पिता का भी स्नेह मिलेगा, परेशानियां खत्म हो रही हैं। इसके बाद ये सिंह में जा रहे हैं, सिंह में भी लाभकारी रहेंगे। यत्र तत्र सर्वत्र आपको लाभ मिलेगा, गुप्त रूप से लाभ मिलेगा। कौन से रूप से? गुप्त रूप से लाभ मिलेगा। तो अपनी योजनाओं को थोड़ा गुप्त रखिएगा, प्रकट रूप से किसी को मत बताइएगा, ठीक है? नहीं तो थोड़ी तकलीफ बढ़ जाती है। शुक्रदेव बेहतर है, थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। 25 अगस्त के आसपास थोड़ा सा सावधान रहना है, थोड़ा सा यहाँ पे आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा ख़राब होगा। तो 25 अगस्त से लेके 18 सितंबर तक थोड़ा सा स्वास्थ्य को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा लापरवाह नहीं। थोड़ा भोग की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ जाएगी, विलास की ज़्यादा बढ़ेगी, आलस्य बढ़ जाएगा। उसके पश्चात पूरा दिसंबर तक, 28 दिसंबर तक शुक्रदेव सुंदर फल दे रहे हैं। मतलब इस परिधि में, इस अवधि में कम करने के बाद ज़्यादा लाभ हो रहा है। संसार में कर्म पथ पे आपको अग्रसर होना ही पड़ेगा। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्त मुखे मृगा। तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन मित्र यहाँ पे आप सुलभता से आगे बढ़ेंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं उससे लाभ ज़्यादा मिल रहा है, आपको काम करने का अवसर मिल रहा है। इस जीवन में अगर आपका भाग्य सपोर्ट करता है ना तो आपको अवसर मिलेगा, नहीं बहुत से लोगों को अवसर ही नहीं मिलता। मैं बहुत अच्छे लोगों को जानता हूँ जो बहुत टैलेंटेड थे, जो अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन एक वर्ग विशेष से आते थे, 28 साल में बुढ़े हो गए। सरकार ने कहा नहीं तुम्हारी एज ख़त्म, तुम अप्लाई ही नहीं कर सकते हो। ये भाग्य की बात है ना। वहीं पे एक व्यक्ति 42 साल तक चिरी हुआ रहता है, एक व्यक्ति 24 साल में गवर्नमेंट बोल देती है नहीं तुम सेना में नहीं जा सकते, पुलिस में नहीं जा सकते, ओवर एज हो गए, एक्सपायरी डेट हो गए। तो आपको अगर अवसर मिल रहा है देन आप लकी पर्सन हैं, ठीक है। मंगल महाराज आपके बर्थ चार्ट पे अच्छा स्टार्ट कर गए हैं, 1 जून से अच्छा स्टार्ट किया है। और ये मंगल महाराज अभी बेहतर ही फल देंगे। कब तक देंगे? 7 दिसंबर तक हर तरह से बेहतर फल दे रहे हैं। तो व्यवसाय में आपको गति मिलेगी, व्यवसाय में प्रगति मिलेगी, गुप्त रूप से धन लाभ प्राप्त करने का योग आपके कुंडली में बन रहा है 12 जुलाई से। आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखिएगा, आप गुप्त तरीके से काम करिए। जब आपका काम हो जाएगा तो आपके सफलता का शोर ऐसा होगा कि दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन आप मत बताइएगा, तो आप यत्र तत्र सर्वत्र सफलता प्राप्त करेंगे। शनिदेव भी वक्री हो गए हैं, और वक्री शनि
आपके जीवन में सुख की मात्रा की वृद्धि करने वाले हैं। भूमि, भवन, वाहन संबंधित सुख देंगे। आप अपने को शनि को, शुक्र को, बुध को, तीन ग्रहों को सदैव ठीक रखिएगा। सदैव याद रखिएगा कि हमारे बर्थ चार्ट में कुछ की पॉइंट्स होते हैं, वो की पॉइंट को अगर हम पकड़ के रखते हैं ना तो हमें सदैव लाभ ही मिलता है। जैसे जीवन में माता पिता को पकड़ के रखिए, सदैव लाभ होगा। और रिश्ते तो आपके स्वार्थ से जुड़ सकते हैं, लेकिन माता पिता तो सदैव आपको आशीर्वाद देंगे, खुश रहो बच्चा, ठीक है। तो उसी तरह आपके लाइफ में आपका शुक्र, आपका शनि और आपका बुध कभी भी आपको शुभ नहीं दे सकता, कभी आपके लिए अकारक हो ही नहीं सकते। तो शुक्र को ठीक करने के लिए दामद्रेम द्रोम सह शुक्राय नमः, शनि को ठीक करने के लिए प्राम प्रेम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, बुध को ठीक करने के लिए ब्राम प्रेम ब्रोम सह बुधाय नमः। गणपति जी को दूरवा चढ़ाइए, गाय को रोटी खिलाइए, कौओं को या दाना खिलाइए, चींटियों को दाना खिलाइए। शनि अच्छे, गाय को रोटी खिलाते हैं, शुक्र अच्छे, जीवन साथी को थोड़ा उपहार दीजिए, शुक्र अच्छे, गणेश जी को दूरवा चढ़ाइए, बुध अच्छे। छोटे छोटे उपाय हैं, बस करना तो शुरू करिए तो श्रेष्ठ लाभ दे रहे हैं। सूर्य नारायण की बात करें तो सूर्य नारायण भाई भी आपके बेहतर फल दे रहे हैं। अगर उत्तरार्ध में देखें तो उत्तरार्ध में सूर्य महाराज 15 जून के बाद मिथुन में हैं और लाभ लाभ ही दे रहे हैं, तो 100% लाभ देंगे। थोड़ा सा लाभ में कमी आ रही है 16 सितंबर से थोड़ा सा 10-15 दिन के लिए थोड़ा लाभ में कमी आएगी। बकाया यत्र तत्र सर्वत्र ये लाभ ही दे रहे हैं, तो कोई इसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। राहु महाराज की बात करें, यस इम्पोर्टेंट ग्रह राहु। हाँ, राहु की माया प्रबल है, कलयुग में तो राहु ही राहु है। अगर राहु अच्छा तो खुश रहो बच्चा, राहु अच्छा तो आप चमक धमक, राहु अच्छा तो सिंहासन, राहु खराब तो हैंड टू माउथ, ठीक है। इस कलिकाल में राहु की महिमा है यत्र तत्र सर्वत्र। जिस मोबाइल से आप देख रहे हो, नेट से देख रहे हो, ये क्या है, राहु ही तो है। जिससे मैं आपके पास मैसेज दे रहा हूँ, राहु ही तो है। हम वास्तव में राहु से घिरे हुए हैं, इसलिए अगर राहु को हम अच्छा रखते हैं तो हमारे जीवन में खुशियों की अपेक्षा सफलताएं बहुत आएंगी। खुश होना एक अलग चीज़ है, राहु आपको चमक दमक सफलता बहुत देता है। और ऐसा राहु 8 जुलाई से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है, इसको बोलते हैं स्वर्गारोहण का नक्षत्र। स्वर्गारोहण का मतलब आप स्वर्ग चले जाएं ऐसा नहीं है, स्वर्गारोहण का मतलब परेशानियों से मुक्त हो जाना, परेशानियों पर विजय प्राप्त करना। डेफिनेटली आपके लिए लाभकारी है, पहले की अपेक्षा अभी शत्रुओं से ज़्यादा लाभ होगा, संघर्षों में आपको विजय मिलेगी। खेल कूद या प्रतिस्पर्धा में है, डेफिनेटली आपको लाभ हो रहा है। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट केस में राहु आपको विजय दिलाएगा। आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र होगी, दीवार के उस पार तक देख लेने की क्षमता से इस समय आप युक्त होंगे। केतु महाराज हस्त नक्षत्र में चल रहे हैं और ये 4-10 नवंबर को उत्तर फाल्गुनी में आएंगे तो ज़्यादा श्रेष्ठ लाभ देंगे। अभी उतना श्रेष्ठ लाभ नहीं दे रहे हैं, थोड़े से आप धर्म कर्म के काम आपसे करवाए जा रहे हैं और धर्म कर्म का कार्य करिए। धर्मो रक्षति रक्षितः, अंत में तो सबको मुक्ति के पथ पे ही बढ़ना है ना। हम आए ही हैं मुक्त होने के लिए, यह जगत क्या, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पे जीना है, क्या वस्तु यहाँ पे मरना है। कहते हैं सच्चिदानंद जिसको, उसमें मुझमें क्या अंतर है, इसी का खोज करने के लिए तो आए हैं। तो अंत में ही आपको धर्म की ओर, तो आपको देखें तो पूरा जो 6 माह का डिटेल आ रहा है श्रेष्ठ आ रहा है। बस अपने शुक्र को, अपने बुध को, अपने शनि को मजबूत रखेगा, इनके मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम आपको देने वाला है, ठीक है। इसी माह गुप्त नवरात्रि है, इसी माह में पूर्णिमा भी पड़ रही है, तो गुरु की उपासना, माता जगदम्बा की उपासना श्रेष्ठ लाभ देगी, करिएगा जरूर।